रविवार को गोरखपुर क्लब में चल रहे सातवीं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित एवं मूकबधिर जूडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन जूनियर खिलाड़ियों ने अपना दमखम और जूडो के कौशल दिखाए। इस तरह सब जूनियर दृष्टिबाधित बालक वर्ग की टीम चैंपियनशिप हरियाणा द्वारा जीती गई और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा। बालिका वर्ग में भी परिणाम समान रहा और हरियाणा और उत्तर प्रदेश प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे। सब जूनियर मूकबधिर वर्ग की बालक टीम चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर रहा। सब जूनियर दृष्टिबाधित बालक वर्ग में बेस्ट जूडो का खिलाड़ी का पुरस्कार पंजाब के हरमित सिंह ने और बालिका वर्ग में हरियाणा की भोली ने बेस्ट जूडो के खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। सब जूनियर मूकबधिर वर्ग में उत्तर प्रदेश के ऋतिक कुमार ने बेस्ट जूडो खिलाड़ी का पुरस्कार जीता और महाराष्ट्र की प्रिया संतोष ने बालिका वर्ग में बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने मेडल देकर सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय दृष्टिबाधित और मूकबधिर जूडो संघ के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश दृष्टिबाधित और मूकबधिर संघ के सचिव सुधीर हलवासिया ने कहा, आंध्र प्रदेश व्हाइट कॉर्नर, गौरव उत्तर प्रदेश ब्लू कॉर्नर। Thank you.
किसान हरियाणा भी व्हाइट कॉर्नर, विश्वजीत वेस्ट बंगाल ए ब्लू कॉर्नर। आंध्र प्रदेश शिवम यूपी ए त्रिवेदी यूपी पार्थ राजेश महाराष्ट्र बी द सेकंड राउंड गोज टू शिवम फ्रॉम उत्तर प्रदेश ए फ्रॉम उत्तर प्रदेश बताते हुए बहुत हर्ष है कि 7th नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो चैंपियनशिप अब की गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे पास जूडोकाज आए हैं, ब्लाइंड जूडोकाज भी आए हैं, डेफ जूडोकाज भी आए हैं और लगभग 750 प्लेयर विद देयर टीम्स रेफरीज आए हैं और ये अपने आप में एक अनूठी प्रतियोगिता है जो कि दिव्यांगों को उत्साहित करती है पहले जिला स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाके प्रतिस्पर्धा का मौका दे रही है। इससे पहले हमारे कई खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है, भारत की विजय पताका फहराई है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इसी तरह से अगर चैम्पियनशिप होती रहेंगी तो आगे भी बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा।